हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस एजुकेशन। आज हम लोग करेंगे जनवरी फोर्थ वीक के करंट अफेयर्स। इसको मैं दो पार्ट्स में करवाऊंगी क्योंकि जनवरी फोर्थ वीक जो है वो काफ़ी लंबा है, तो अगर मैं एक ही पार्ट में करवाऊंगी तो वो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में लिया है। आज है पार्ट फर्स्ट और कल मैं लेकर आऊँगी पार्ट सेकेंड। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन चूजन फॉर द फर्स्ट एवर शेख साउथ इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर मटीरियल रिसर्च। तो इनमें से किन को शेख साउथ इंटरनेशनल प्राइज़ मिला है मटीरियल्स रिसर्च के लिए? तो इनका नाम है ऑप्शन नंबर टू, CNR राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंपनी डेट लॉन्च द न्यू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म reweave.in फॉर हैंडलूम वीवर्स अंडर इट्स प्रोजेक्ट रीवीव। तो इनमें से कौन सी कंपनी ने एक नई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है जिसका नाम है reweave.in? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फोर, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। नेक्स्ट है, विच स्टेट वॉज एडजस्ट एज द बेस्ट टीम एट द वुमेन्स नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप हेल्ड एट विजयनगर कर्नाटका। तो विजयनगर कर्नाटका में जो वुमेन्स नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी उसमें इनमें से कौन से स्टेट की टीम जो है वो बेस्ट टीम डिक्लेयर हुई है? तो वो है ऑप्शन नंबर थ्री, हरियाणा। नेक्स्ट है, द फ्लेमिंगो फेस्टिवल वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो फ्लेमिंगो फेस्टिवल जो है वो इनमें से कौन सी स्टेट में मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है आंध्र प्रदेश के अंदर। और आंध्र प्रदेश में ये कहाँ पर होता है? पुलिकट लेक एंड नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी इन सलेरपुट मंडल। तो आंध्र प्रदेश में जो ये पुलिकट लेक और नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी है, यहाँ पर काफ़ी सारी माइग्रेटरी बर्ड्स जो है वो सर्बिया से आती है विंटर सीजन के अंदर ब्रीडिंग के लिए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इन लेक और इस बर्ड सेंचुरी का नाम, और ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट है, वे वॉज द फोर्थ इंडिया स्टील 2019 एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टील एंड फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हेल्ड। तो इंडिया स्टील 2019 की जो एग्जीबिशन और कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ पर हुई थी? तो वो हुई थी मुंबई के अंदर। तो इसके साथ और भी कॉन्फ्रेंस और समिट्स है जो आपको ध्यान रखनी है। पहली है अरब इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट समिट 2019, ये हुई थी बीरूट लेबनन में। उसके बाद सेकेंड एडिशन ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, ये हुई थी चेन्नई तमिलनाडु में, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट है सेकेंड वर्ल्ड इंटीग्रेटेड मेडिसिन फोरम 2019, ये हुई थी गोवा के अंदर। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर जन शिक्षण संस्थान, ये हुई थी न्यू दिल्ली के अंदर। और साउथ इंडिया MSME समिट 2019, ये हुई थी बेंगलुरु के अंदर। नेक्स्ट है, द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू सेट अप अ स्टैंडिंग कमिटी ऑन अफोर्डेबल मेडिसिन एंड हेल्थ प्रोडक्ट्स टू रिकमेंड प्राइस कंट्रोल्स एंड मॉनिटर प्राइसेज ऑफ स्पेसिफिक ड्रग्स एंड हेल्थ प्रोडक्ट्स विच विल बी हेडेड बाई अ मेंबर ऑफ। तो गवर्नमेंट ने एक स्टैंडिंग कमिटी बनाई है अफोर्डेबल मेडिसिन और हेल्थ प्रोडक्ट्स के लिए। तो इस कमिटी को जो हेड करेंगे वो इनमें से कौन सी यूनिट या इंस्टीट्यूट के मेंबर है? तो वो है नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट डिक्लेयर्ड पक्के पग्गा हॉर्नबिल फेस्टिवल एज द स्टेट फेस्टिवल? तो इनमें से कौन सी स्टेट ने पक्के पग्गा हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है उसको स्टेट फेस्टिवल डिक्लेयर कर दिया है? तो वो है ऑप्शन नंबर फोर, अरुणाचल प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। यहाँ पर आप एक और चीज़ ध्यान रखना कि हॉर्नबिल फेस्टिवल और पक्के पग्गा हॉर्नबिल फेस्टिवल ये दोनों अलग फेस्टिवल्स है। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये मनाया जाता है नागालैंड के अंदर, ठीक है, और ये जो पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, और इसको स्टेट फेस्टिवल डिक्लेयर कर दिया है अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने, ठीक है, तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट है, आधार कार्ड्स आर नाउ वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स फॉर इंडियंस ट्रैवलिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज? तो आधार कार्ड जो है उसको अब वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स बता दिया है इंडियंस के लिए। इनमें से कौन सी नेबरिंग कंट्रीज में ट्रैवल करने के लिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर टू, नेपाल और भूटान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। और इसमें आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है जो इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आधार कार्ड जो है वो सारे इंडियन सिटीजन्स के लिए एक वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ उन सिटीजन्स के लिए है जिनकी एज 15 ईयर्स से कम है और या फिर 65 ईयर्स से ज़्यादा है, ठीक है, सिर्फ इनके लिए जो आधार कार्ड है वो एक वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। कौन सी नेबरिंग कंट्रीज़ के लिए? नेपाल और भूटान। नेक्स्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट हैज़ अलाउड द रिलीज ऑफ द मूवी 72 आवर्स मार्टियर हु नेवर डाइड विच इज़ बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ विच 1962 सिनो इंडियन वॉर हीरो राइफलमैन। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मूवी को रिलीज़ करने के लिए अलाउ कर दिया है जिसका नाम है 72 आवर्स मार्टियर हु नेवर डाइड। तो ये जो मूवी है वो इनमें से कौन से एक राइफलमैन है जिनके ऊपर बनाई गई है? तो उनका नाम है ऑप्शन नंबर थ्री, जसवंत सिंह रावत। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द सिक्स्थ एडिशन ऑफ ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2019 रिलीज्ड बाय इनसीड बिजनेस स्कूल इन पार्टनरशिप विद टाटा कम्युनिकेशंस एंड एडेको ग्रुप? तो ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2019 के अंदर इंडिया की क्या रैंक आई है?
तो इसमें इंडिया की रैंक है 80 और इसको टॉप किया है स्विट्जरलैंड ने। नेक्स्ट है जलीकट्टू, जिसको बोलते हैं बुल टेमिंग इवेंट, हेल्ड इन विच स्टेट हैज़ एंटर्ड द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुल्स रिलीज इन टू द स्पोर्ट्स एरेना। तो देखो यहाँ पर इमेज में आपको दिख रहा होगा, ये फेस्टिवल है जलीकट्टू, जहाँ पर ये जो बुल है इसको छोड़ दिया जाता है एक ग्राउंड के अंदर, और ये जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं इस बुल को शांत करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो गेम है ये कौन सी स्टेट के अंदर खेला जाता है, तो वो है ऑप्शन नंबर 2 तमिलनाडु। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन नेम्ड द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल्स एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर फॉर हिज ब्रिलियंट परफॉर्मेंस इन टेस्ट क्रिकेट इन 2018। तो इनमें से कौन ICC एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2018 बने हैं, तो उनका नाम है ऑप्शन नंबर 2 ऋषभ पंत। नेक्स्ट है हु बिकेम द फर्स्ट क्रिकेट प्लेयर टू बैग ऑल 3 ICC अवार्ड्स इन अ सिंगल ईयर एज ही वॉन द सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी फॉर ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर, द ICC मेन्स टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर एंड द ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर इन 2018। तो इनमें से कौन पहले क्रिकेट प्लेयर बने हैं जिन्होंने ICC की तीनों ट्रॉफीज, यानी कि ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ICC मेन्स टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर और ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर 2018 जो है वो तीनों जीती है, तो वो है ऑप्शन नंबर 4 विराट कोहली। नेक्स्ट है राजवीर सिंह भोला हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज द वेटरन पर्सनैलिटी ऑफ विच स्पोर्ट्स। तो राजवीर सिंह भोला जिनका अभी निधन हो गया था वो इनमें से कौन सा स्पोर्ट खेलते थे, तो वो थे एक हॉकी प्लेयर। इसके साथ जितने भी ऑबिचुरीज है दूसरी वो भी आपको ध्यान रखनी है। एक है आतिन बंदोपाध्याय, इनका भी निधन हुआ है, ये थे एक बंगाली राइटर और इनकी बुक का नाम आपको ध्यान रखना है क्योंकि इनको इस बुक के लिए मिला था साहित्य अकेडमी अवार्ड। इनकी बुक का नाम है पंचशती गाल्पो। नेक्स्ट है कृष्णा सोबती, इनका नाम आपने सुना होगा, ये एक फिक्शन राइटर और एसेस्ट है, इनको भी साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था इनकी बुक जिंदगी नामा के लिए, तो इसको भी आप ध्यान रखना। और आपको ध्यान हो तो इनको 2017 का जो ज्ञानपीठ अवार्ड था वो कृष्णा सोबती को मिला था, और 2018 का ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला है, वो मिला है अमिताभ घोष को, ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है भानु प्रकाश सिंह, इनका निधन हो गया है, ये एक पॉलिटिशियन थे और गोवा के एक्स गवर्नर रह चुके हैं। नेक्स्ट है रसल बेकर, ये एक ऑथर थे और ये पुलित्जर प्राइज विनर भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है माइकल लेग्रैंड, ये एक फ्रेंच म्यूजिक कंपोजर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज कंपाइल्ड द बुक टाइटल्ड यूनिवर्सल ब्रदरहुड थ्रू योगा लॉन्च्ड बाय वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू इन न्यू दिल्ली। तो वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू ने एक बुक को लॉन्च किया है जिसका नाम है यूनिवर्सल ब्रदरहुड थ्रू योगा। तो इस बुक को कंपाइल इनमें से कौन से इंस्टीट्यूट ने किया है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 भारतीय संस्कृत पिथम। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू गिव 5% कोटा फॉर कापू कम्युनिटी इन 10% रिजर्वेशन फॉर EWS। तो जैसा कि आपको पता है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जो है उनको अब 10% का रिजर्वेशन मिल गया है, तो इनमें से कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने इस 10% रिजर्वेशन में से 5% रिजर्वेशन जो है ये कोटा दे दिया है कापू कम्युनिटी को, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट 5% कोटा देगी कापू कम्युनिटी को और सिर्फ 5% देगी EWS को। नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्ट रेलवे सेक्टर अनाउंस्ड अ डेडिकेटेड वुमेन स्क्वाड ज्योति बाहिनी टू एनहांस सिक्योरिटी ऑफ वुमेन इन अ रेलवे स्टेशन एंड ट्रेन्स एट कमखाया स्टेशन इन। तो नॉर्थ ईस्ट रेलवे सेक्टर जो है उसने एक वुमेन स्क्वाड को लॉन्च किया है जिसका नाम है ज्योति बाहिनी वुमेन की सिक्योरिटी के लिए। तो ये इन्होंने लॉन्च किया है कामख्या स्टेशन में। तो ये कामख्या स्टेशन कहाँ पर है, ये है ऑप्शन नंबर 3 गुवाहाटी असम में। नेक्स्ट है नेम द लार्जेस्ट एवर कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय इंडियन नेवी इन द इंडियन कोस्ट टू वैलिडेट द इफेक्टिवनेस ऑफ मेजर्स टेकन सिंस टेरर अटैक इन मुंबई ऑन 26/11। तो इनमें से कौन सी एक लार्जेस्ट एवर कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज है जो इंडियन नेवी ने कंडक्ट करी है, तो इसका नाम है ऑप्शन नंबर 2 सी विजिल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया अमंग द वर्ल्ड्स मोस्ट इनोवेटिव कंट्रीज अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग 2019 इनोवेटिव इंडेक्स। तो ब्लूमबर्ग 2019 की इनोवेटिव इंडेक्स में इंडिया की कौन सी रैंक आई है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 54। और इस इंडेक्स को टॉप किया है साउथ कोरिया ने। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज बीन रैंक द टॉप स्टेट इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट विद अ ग्रोथ रेट ऑफ 11.3% इन फाइनेंशियल ईयर 2017-18 एज पर अ रिपोर्ट पब्लिश बाय क्रिसिल। तो क्रिसिल की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी स्टेट टॉप स्टेट बनी है इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट
with a growth rate of 11.3%. तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर टू, बिहार. और क्रिसिल की जो रिपोर्ट थी इसकी थीम थी माइक्रो इरिगेशन एंड मॉडर्न एग्रीकल्चर. नेक्स्ट है, हु वाज अवार्डेड द सरस्वती सम्मान फॉर द ईयर 2017. तो इनमें से किन को 2017 के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया है, तो उनका नाम है ऑप्शन नंबर थ्री सितांशु यशचंद्र. और इनको दिया गया है इनकी पोइट्री कलेक्शन जिसका नाम है वखर, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट है, विच पोर्ट बिकेम द ओनली इंडियन पोर्ट टू बी लिस्टेड अमंगस्ट द वर्ल्ड्स टॉप 30 कंटेनर पोर्ट्स एट 28th पोजीशन. तो इनमें से कौन सा इंडिया का पहला पोर्ट बना है जिसको वर्ल्ड्स टॉप 30 कंटेनर पोर्ट्स की लिस्ट में शामिल किया गया है और इसकी रैंक आई है 28th. तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर टू जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट. और यह है कहाँ पर, यह है मुंबई में. नेक्स्ट है, हु हैज़ वॉन द मेन सिंगल्स 2019 ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट. तो इनमें से किन ने 2019 का ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जो है मेंस कैटेगरी में वो जीता है, तो ये जीता है नोवाक जोकोविक ने. नोवाक जोकोविक जो है ये सर्बिया से है. उसके बाद विमेन्स सिंगल्स में जीता है नाओमी ओसाका ने, और नाओमी ओसाका जो है ये जापान से बिलोंग करती है. नेक्स्ट है, हु बिकेम द फास्टेस्ट इंडियन बोलर टू क्लेम 100 ओडीआई विकेट्स. तो इनमें से कौन इंडिया के फास्टेस्ट बोलर बने हैं जिन्होंने 100 ओडीआई विकेट्स लिए हैं, तो इनका नाम है मोहम्मद शामी. ये तो इंडिया के बोलर हैं, अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में 100 ओडीआई विकेट्स जो सबसे पहले लिए हैं वो लिए हैं राशिद खान ने. ठीक है, राशिद खान जो है ये अफगानिस्तान के प्लेयर हैं. नेक्स्ट है, When was 122nd birth anniversary of the great freedom fighter Subhash Chandra Bose celebrated all over India? तो Subhash Chandra Bose की birth anniversary जो है वो कब मनाई जाती है, तो ये मनाई जाती है ऑप्शन नंबर 4 जनवरी 23rd. इसके साथ कुछ और चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है. इस दिन प्रधानमंत्री ने सुभाष चंद्र बोस म्यूजियम जो है उसको इनॉग्रेट किया था, और वो इनॉग्रेट हुआ है न्यू दिल्ली के अंदर, तो इसको आप ध्यान रखना. और सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है ये दिया गया है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स को, तो ये दोनों आप ध्यान रखना. उसके अलावा अगर आपको सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड एक और न्यूज़ ध्यान हो तो वो ये थी कि अंडमान और निकोबार के जो तीन आइलैंड्स हैं उनका नाम भी चेंज हुआ था. उनमें से जो रॉस आइलैंड था उसका नाम चेंज होकर रखा गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप. और इसके अलावा एक था नील आइलैंड, नील आइलैंड जो है इसका नाम रखा गया है शहीद द्वीप. और इसके अलावा एक था हैवेलॉक आइलैंड, इसका नाम रखा गया है स्वराज द्वीप. नेक्स्ट है, द त्रिपुरा गवर्नमेंट हैज अनवील्ड एन ऑफिशियल लोगो फॉर स्टेट्स टी टू पॉपुलराइज द बेवरेज. द लोगो फीचर्स विच आइकॉनिक लैंडमार्क ऑफ त्रिपुरा. तो त्रिपुरा गवर्नमेंट ने स्टेट टी के लिए एक ऑफिशियल लोगो को अनवील कर दिया है. तो ये लोगो जो है ये त्रिपुरा के कौन से एक आइकॉनिक लैंडमार्क को फीचर करता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर टू नीर महल. देखो ये है त्रिपुरा का लोगो, और ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये है नीर महल, और ये है त्रिपुरा के सीएम बिप्लव कुमार देव. नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू फॉर्म अ स्टेट टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स टू प्रोटेक्ट द टाइगर पॉपुलेशन इन अमराबाद एंड कवल टाइगर रिजर्व्स. तो इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि स्टेट टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स वो फॉर्म करेंगे जो कि जो टाइगर पॉपुलेशन है अमराबाद और कवल टाइगर रिजर्व्स में उसको प्रोटेक्ट करेगी. तो ये डिसाइड किया है तेलंगाना की गवर्नमेंट ने. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखना. और ये भी ध्यान रखना कि कवल टाइगर रिजर्व और अमराबाद टाइगर रिजर्व जो है ये तेलंगाना के अंदर है. नेक्स्ट है, नेम द स्कीम लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थ्रू विच अ ग्रुप ऑफ इंडियन ओरिजिन पीपल करंटली इन डिफरेंट नेशंस विल बी टेकन टू ऑल रिलीजियस प्लेसेस इन इंडिया ट्वाइस अ ईयर. तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक स्कीम लॉन्च करी है जिसमें कुछ लोगों के ग्रुप को अलग अलग नेशंस के जो रिलीजियस प्लेसेस है वहां पर भेजा जाएगा एक साल में दो बार. तो ये कौन सी स्कीम है, इस स्कीम का नाम है प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना. नेक्स्ट है, विच सिटी इज़ द वेन्यू ऑफ द इंडियन अफ्रीका फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज. तो इनमें से कौन सी सिटी जो है वहाँ पर इंडिया अफ्रीका की फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज होगी, तो वो होगी पुणे के अंदर. नेक्स्ट है, मिस्टर प्रवीण जुगनौथ हु वॉज द चीफ गेस्ट ऑफ 15th प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेशन इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री. तो प्रवीण जुगनौथ जो है जो कि 15th भारतीय प्रवासी दिवस में चीफ गेस्ट रह चुके हैं, ये इनमें से कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ये है ऑप्शन नंबर टू मॉरिशियस के प्राइम मिनिस्टर. और ये जो प्रवासी भारतीय दिवस है ये हुआ कहाँ पर है, ये हुआ है वाराणसी उत्तर प्रदेश में. और इसके साथ इसकी थीम भी आपको ध्यान रखनी है, इसकी थीम थी रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन बिल्डिंग न्यू इंडिया.
तो ये है आज के 30 क्वेश्चंस। आज मैं 30 क्वेश्चंस ही कवर करूंगी ताकि वीडियो थोड़ा शॉर्ट रहे और आपको देखने में भी आसानी रहे। Part 2 में मैं नेक्स्ट जो 30 या फिर 40 क्वेश्चंस जो है उनको कवर कर दूंगी। तो January 4th वीक के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।